रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा के अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुशवार का हाल बेहाल है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। इस विद्यालय में छात्रों को पढ़ाई से पहले झाड़ू लगाना पड़ता है। छात्र विद्यालय पहुँचते हैं और शिक्षक बच्चों को झाड़ू थमा देते हैं। हालांकि बच्चों के साथ कभी कभी शिक्षक भी झाड़ू लगाते हैं। सफाई कर्मी की व्यवस्था न होने के कारण बच्चों के साथ शिक्षकों को भी झाड़ू लगाना पड़ता है। ऐसी व्यवस्थाओं के बीच छात्रों का क्या भविष्य होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। सरकारी स्कूलों के हालात को सुधारने के लिए सरकार के दावे तो बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन शासकीय स्कूलों की हालात में कोई सुधार हुआ नहीं है। वही जर्जर भवन, लचर व्यवस्था और बदहाली ने अभिभावकों का शासकीय स्कूलों से मोह भंग कर दिया है। ऐसे में छात्रों का क्या भविष्य रह जाएगा, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा के अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुशवार का हाल भी कुछ ऐसा ही है। वहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ाने के बजाय जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के चलते शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। भले ही सरकारी स्कूलों में बच्चों से काम कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी हो, उसके बाद भी प्राथमिक स्कूल के शिक्षक बच्चों से झाड़ू लगवाने से बाज नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पर छात्राओं को स्कूल खुलते ही सबसे पहले झाड़ू लगाना पड़ता है और स्कूल को साफ करना पड़ता है। हालांकि कभी कभी बच्चों के साथ शिक्षक भी झाड़ू लगाते नजर आ जाते हैं। बच्चों को रोजाना झाड़ू लगाना पड़ता है, उसके बाद उनकी शुरू होती है पढ़ाई। इस विद्यालय में पानी की भी अपनी समस्या है। छात्रों को अपने साथ ही पानी लाना पड़ता है, नहीं तो उन्हें प्यासा ही रह जाना पड़ता है। इस बारे में स्कूल शिक्षक का कहना है कि स्कूल में चपरासी की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते छात्रों के साथ मिलकर शिक्षक सफाई का काम करते हैं। स्कूलों के ऐसे हालात जिले के शिक्षा विभाग में पदस्थ आला अधिकारियों के कार्य प्रणाली में सवाल खड़े करते दिख रहे हैं और सरकार के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के बड़े बड़े दावों की पोल खुलती दिख रही है। शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं, जिससे प्रदेश में रहने वाले गरीबों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में ही पढ़कर निजी स्कूलों की तरह शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके लिए सरकार के द्वारा मुफ्त किताबें, ड्रेस, जूते, मोजे, स्वेटर और मध्याह्न भोजन बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन जिले के ऐसे कई विद्यालय हैं जहां प्रशासन की अनदेखी के चलते छात्रों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है और सरकार के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के बड़े बड़े दावे खोखले नजर आ रहे हैं। हेलो, सिमरिया खबर लड़का बड़े बड़े कहान और इसके विजय पे है वो विजय विद्यालय कुशवार। हमारे स्कूल में पानी का दिक्कत है और हम और सर क्लास में आकर झाड़ू लगाते हैं और फिर बैठते हैं, फिर हम लोग पढ़ाई थोड़ी अच्छी करते हैं, फिर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। स्कूल है शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुशवार। क्या समस्या है? यहाँ पानी की विशेष दिक्कत है, दो दो बोर होते हैं और नल है, फिर भी पानी की समस्या है और चपरासी न होने के कारण विद्यालय में सफाई की दिक्कत होती है, तो जिसे हम और छात्र मिलकर के सफाई करते हैं। इसके बाद बैठाते हैं बच्चों को, हाथ धुलने के बाद बाटल वोटल में जो पानी रहता है उसे हाथ धुल लेते हैं और इसके बाद फिर पढ़ाई का काम शुरू होता है। ये सफाई आप क्यों कर रहे हैं? जी आप क्यों करते हैं सफाई? सफाई
बच्चे करने में थोड़ा दिक्कत संकोच करते हैं, पीन नहीं है नहीं, और हम लोग शिक्षक हैं और सोचते हैं कि चलो आज आगे हम ही चलेंगे, तो बच्चे साथ में मिलकर मदद करते हैं।